गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास, अज असी तुहाडी पाठ पुस्तक तो बिना एक नवा विशा चुन जा रहे हैं जो है कि पंजाबी साहित्य का इतिहास। इतिहास या हिस्टरी शब्द तुसी अक्सर ही सुनिया होना। जिस तरह इंसान ह्यूमन बीइंग्स सिविलाइजेशन की असी गल करते हैं, उस तरह असी साहित्य के पिछोकड़ बारे भी जानते हाँ कि किसी भाषा के विच साहित्य रचना कदों शुरू हुई, जदों साहित्य रचना की गई किस तरह दी प्रवृत्तियां धाराएं या चुका सी, तो उन्होंने असं इतिहास साहित्य के इतिहास के नाल जानते हैं। थोड़े सिलेबस के पंजाबी साहित्य के इतिहास नाल संबंधित दो प्रश्न हैं, गुरमत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। बच्चों पहला असं गुरमत काव्यधारा बारे डिस्कस करांगे, पर एक गुरमत काव्यधारा है कि इस तो पहला तुहानूं थोड़ी जी जाण पछाण करवा जा रही हाँ काव्यधारावां दे बारे। बच्चे पंजाबी साहित्य विच मुख तौर पर असी इन्हां काव्यधारावां की चर्चा करते हाँ। लोक साहित्य, लोक साहित्य यानी कि लोगों द्वारा रचा गया साहित्य, जिस फोकलोर जिन्हों असी कहने आ, जिदे विच बोलियां, गीत, टप्पे, सिठणियां, बुझारतां, माइए, घोड़ियां, सुहाग, ये सारा कुछ पंजाबी लोक काव्यधारा का हिस्सा है, जिहड़ा कि सदियां पहला साढ़े पुरखों तो पीढ़ी दर पीढ़ी जबानी कलामी एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक पहुँचता रहा। उस बाद बच्चों नाथ जोगियां की काव्यधारा आदि काल के गोरखनाथ, चरपटनाथ, गुरु मच्छंदर नाथ, जलंधर नाथ, चरपटनाथ वर्गे बहुत सारे जोगी होए जिन्होंने परमात्मा की भगती दे लई साहित्य रचना की, जिदे विच बहुत ज़्यादा ठेठ पंजाबी की वरतों भावें नहीं की गई, साधुकड़ी भाषा कहिंदे जिदे विच हिंदी ते ब्रजी का मेल सी, तां उस तों नाथ जोगियां दी दे साहित्य दे नाल जाणिया जांदा है। फिर बच्चों असी गल करदे आ सूफी काव्यधारा दी, जिहड़ा कि तुहाडे सिलेबस दे विच भी है। इस विच मुसलमान फकीर जिहड़े कि आप सहेड़ी गरीबी का जीवन जिउंदे सी, उन्होंने परमात्मा अल्लाह की उस्तत विच जो भी रचनावां रचियां उन्हां सारियां रचनावां नूं असी सूफी काव्यधारा का नाम दिंदे हाँ। इहदे बारे असी बाद दे विच पढ़ांगे। गुरमत काव्यधारा तुहाडे सिलेबस दे विच है, जिहदे विच गुरुआं द्वारा रची गई बाणी या गुरुआं दे दीआं सिख्यावां नूं प्रगटाउंदी होई बाणी जिहड़ी है उह शामिल कीती जांदी है। किस्सा काव्यधारा, किस्सा काव्यधारा दे विच उह सारियां रचनावां आ जांदियां हन जिहड़ियां कि समें समें ते रचियां गईयां रोमांटिक या रोमांचक कहानियां दा वर्णन करदियां ने, जिवें कि किस्सा हीर रांझा वारिस शाह द्वारा रचा गया, सब तो पहला वैसे दमोदर ने लिखा, सस्सी पुन्नू किस्सा यूसुफ जुलैखा हाशम शाह द्वारा रचा गया सी सस्सी पुन्नू, सोनी महिवाल, तो बहुत सारे किस्से वो किस्सा काव्यधारा दे विच आउंदे हैं। पंजाबी काव्यधारा दे विच एक होर प्रमुख काव्यधारा है बीर रसी काव्यधारा। बीर रसी काव्यधारा नूं दो हिस्सों में वंडदे ने, वारां ते जंगनामे। जदों किसी लड़ाई का हूब हू इन बिन बयान किया जाता है तो उन्हें जंगनामा कहा जाता है, पर जदों किसी योद्धे की प्रशंसा दे विच वार वार कुछ कहा जाए तो उन्हें वार का नाम दिता जाता है। सो बच्चों मैं लगता है तुम्हें स्पष्ट हो गया होना कि पंजाबी दे विच मुख काव्यधारावां लोक काव्यधारा, नाथ जोगियां की काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, गुरमत काव्यधारा, किस्सा काव्यधारा अते बीर काव्यधारा शामिल हैं, जिन्हां दे विचों दो काव्यधारावां दे बारे असी डिस्कस करांगे, सूफी काव्यधारा ते गुरमत काव्यधारा। तो बच्चों असल दे विच जे असी कहीए काव्यधारा है कि उस सारी कविता जिहड़ी एक खास किस्म दी सोच या उद्देश नूं लैके रची गई कविता दा संग्रह हुंदी है। तो आने वाले समय दे विच यानी कि नैक्सट वीडियो सैशन दे विच गुरमत काव्यधारा दी डिटेल असी करांगे। गुरमत